बुढ़िया की अक्कड़ तो देखो, बोलती है घर से कपड़े मंगवा लेगी। मेरी अकड़ कहाँ देखी है उसने अभी तक? इससे भी बदतर साड़ी ना पहनाई ना उस बुढ़िया को तो मेरा नाम भी श्रद्धा। मुझे ऐसा लगा था कि शायद आप नहीं पहनेंगी क्योंकि आपने कहा था ना कि आप घर से मंगवाएंगी। नहीं बेटा, घर पे बोलती तो किसी को कपड़े लेकर आना पड़ता ना यहाँ पर। एक दिन की तो बात है ना बेटा, क्यों तंग करें किसी को। हाँ तुम बस इस बात का ख्याल रखना कि वहां घर पे किसी को पता ना लगे कि मैंने ये नौकरों वाले कपड़े पहने हैं। खासकर बिहान और तबकी को तो बिल्कुल भी नहीं। माँ, माँ पैसे ये सब क्या, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को इस ऐसे ख्याल रखती हूँ इनका, इसलिए लाई थी तुम्हें यहाँ। बिहान मेरी बात सुनो। बिहान मैंने अगर तुम हमारे परिवार से जुड़ी ना होती ना तो हम तुम्हारा वो ऐसे कर देगी। बिहान रुक जाओ। नहीं, आज आप बीच में खुशी मिलती, इसने आपके साथ जो किया उसके लिए तो हम इसे। बिहान चुप हो जाओ बेटा। मैंने ये कपड़े अपनी मर्जी से पहने हैं, ये फैसला मेरा खुद का है। मुझे श्रद्धा या किसी और ने नहीं पाया ये करने के लिए। लेकिन माँ, आप खुद क्यों ऐसा कर रही हो? आप जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं, पता हूं। ऐसी कोई बात है जो आप हमसे छुपा रहे हो? नहीं, एक बार बात छुपाने का बाप मैं कर चुकी हूं, जिसकी सजा भुगत रही हूं मैं इस तरह से जिंदगी जी के। दोबारा वही गलती करूंगी ना बिहान तो शायद मैं नहीं रह पाऊंगी बेटा। और हाँ, ये वनवास ही तो है, अपने घर से अपने परिवार से दूर हूं मैं। वनवास नहीं है तो क्या है बताओ तुम। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं सारे सुख ऐश्वर्य को त्याग दूंगी और इस तरह से सादा जीवन व्यतीत करूंगी। माँ, ये आप सही नहीं कर रहे, अब गलत कर रहे हो। ये गलत तो मैंने पहले की थी बिहार, अब तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ मैं।
जब तक हम जिंदा हैं, हम आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। आप अभी और इस वक्त हमारे साथ घर चलिए, चलिए। बिहान। जहां नहीं होता तो मैं यहाँ आती क्यों? मुझे सजा मिली है और मैं वो सजा भुगत रही हूँ। ये मेरी मेरी लड़ाई है अकेले अपने आप के साथ, और ये लड़ाई मुझे ऐसे ही लड़नी है। कोई नहीं रोक सकता है मुझे, तुम भी नहीं। लेकिन माँ, बेटा मैं पहले से ही बहुत मजबूर हूँ, मुझे और मजबूर मत करो फिर से अपनी कसम देने के लिए। आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हो मां, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, और फिर आपने तो अपनी गलती भी मान ली, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? मैंने अपनी गलती मानी, परिवार ने जो सजा दी उसे भी माना मैंने, पर मैंने अपना प्रायश्चित कहाँ किया? नहीं किया। मुझे प्रायश्चित करना है, और शायद इसी तरह से मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए, शायद तभी मैं खुद का सामना कर पाऊं। तुम मेरी हिम्मत बनो, मेरी ताकत बनो, मुझे कमजोर मत करो। माफ करिए सबके, मैं जानती हूँ बेटा तुम मुझे ऐसे नहीं देख पा रही हो, चलो बुढ़िया ने मेरा काम खुद ही कर लिया, खुद अपने माथे पे लिख दिया नौकरानी। बस अब देख बुढ़िया, मैं तुझसे इस नई पहचान के साथ और क्या क्या करवाती हूँ। दादी माँ, बाबूजी, प्रीति भाभी, सुमन भाभी। अरे 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 अरे, हम सब यही हैं। तू भाग क्यों रही है, क्या हुआ? दादी माँ, बात ही कुछ ऐसी है। ये देखिए टिकट्स मिली है मुझे, टिकट्स। अब ओपनिंग शो है किसी हॉट वाली मूवी का। भाभी मूवी के नहीं, जू के, आई मीन टू से चिड़ियाघर के टिकट्स हम सब के लिए। अरे वो चिड़ियाघर, वो जो हमारे मोहल्ले के पास है, वही वाला ना? हाँ भाभी, उसी में पूरे दिन घूमने के टिकट्स मिली है मुझे हम सब के लिए, वो भी फ्री में। फ्री टिकट? पर टॉकी कहाँ से मिले तुम्हें? वो एक्चुअली भाभी, एक हफ्ते पहले मैं जब घर का सामान खरीदने गई थी ना, तो मैंने ऐसे ही जू के फ्री टूर के फॉर्म्स भर दिए थे, और देखिए उसी स्कीम में हमारी फैमिली सिलेक्ट हो गई और मुझे ये सारे टिकट दे दिए।
भावता की दैट्स रियली ऑसम। और वैसे भी हम 2-3 इयर्स से ना वहाँ गए नहीं, और नहीं तो का पहले तो हर 6 महीने में ना हम लोग वहाँ पिकनिक मनाने के लिए जाते थे। और तुमको पता है बड़ी सासू माँ ना बहुत ही बढ़िया बढ़िया पकवान बहुत सारा खाने का बना के ना कहीं कुछ लेके जाती थी सबके लिए। और पता है सबकी बाऊजी और बड़ी सासू माँ ना पहली बार वहीं पे मिले थे, और उनकी ऑसम वाली लव स्टोरी ना वहीं से स्टार्ट हुई थी, है ना बाऊजी? अच्छा तो बातें करना बंद करो और चलो सब रेडी हो जाओ, जब टिकट्स मिल ही गए हैं तो इसी बहाने पिकनिक भी हो जाएगी और जाकर जू भी देख लेंगे। दादी माँ चलिए ना, आप भी तैयार हो जाइए ना, हम सब लोग बहुत बहुत मस्ती करेंगे, चलिए। नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगी, तुम सब बच्चे जाकर घूमाओ, मैं क्या करूंगी, तब तक मैं मंदिर हो आऊंगी। हाँ माँ हम भी आपके साथ ही चलेंगे, इनको जाने दीजिए। हाँ भाऊजी दादी माँ बिल्कुल ठीक कह रही, उल्टा हम भी आपके साथ मंदिर ही चलते, और हम ही क्यों, हम सब ये चिड़ियाघर का बचपना छोड़ते और हम सब मिलकर मंदिर ही चलते। वैसे भी माँ के बिना हम लोग यूं मस्ती तो कर नहीं पाएंगे, और वो भी वहां वहां तो हमें उनकी कमी महसूस होगी सबको। नहीं किसी को कोई कमी महसूस नहीं होगी, उनके बिना भी ये परिवार खुशियां मना सकता है। लेकिन बाऊजी बोल दिया ना हम सब चिड़ियाघर जाएंगे आज, है ना माँ? मैं ध्रुव को भी फोन करके बोल देती हूँ, वो सीधा वहीं आ जाएगा। लेकिन दादी माँ किसी एक के ना होने से इस घर की जिंदगी रुक नहीं जाएगी। चलो चलो चल के तैयारी करते हैं। देखा था कि हमने चिड़ियाघर के लिए मना किया तो बाऊजी ने हाँ कर दिया, और अगर हम हाँ कहते तो बाऊजी मना करते। बिहार पर जो करने का हमने सोचा है उसके लिए तो वहाँ माँ का होना भी बहुत जरूरी है, पर माँ भी आएंगी सबकी। तुम बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि हमने जो कुछ भी आज करने का सोचा है किसी भी तरह से बस वो कामयाब हो जाए। बाकी माँ कैसे आएंगी और उन्हें कौन लेकर आएगा ये हमने पहले से सोचा। बाप रे बिहान को देखकर तो मैं डरी गई थी, बुढ़िया को नौकरानी की साड़ी में देखकर ऐसे गुस्सा हो रहा था जैसे मेरा मर्डर ही कर देगा। थैंक गॉड बुढ़िया ने सही वक्त पे सब कुछ ठीक ठीक संभाल लिया। अब बिहान क्या, बिहान का भूत भी दर नहीं आएगा। नहीं मुझे फोन ही नहीं उठाया, अरे अगर फोन नहीं उठाया तो ये भूत कहीं यहाँ पर ना टपक पड़े। शर्ता दो ऑप्शन। हेलो इतनी जल्दी फोन उठा लिया, हमें याद करी थी क्या श्रद्धा भाभी जी? अपनों को याद नहीं करूंगी तो किसे याद करूंगी बिहान जी? वैसे अगर मम्मी जी से काम था तो मम्मी जी को कॉल कर देते ना। काम तो माँ से ही, पर उसके लिए बात जरा आपसे करनी थी। क्या बात करनी है? आज 2 बजे माँ को मोहल्ले के पास वाले चिड़ियाघर मिले। मैं कैसे लेकर आऊंगी, मैं मम्मी जी से कहूंगी क्या? बीफ और बातें और बीफ और बहानों में तो आप उस्ताद है ना श्रद्धा भाभी, तो दिखाइए अपना हुनर और बनाइए कोई बहाना और ले आइए माँ, वरना क्या है ना हमारी मोटी बुद्धि अगर सटक गई तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ धमकी नहीं सूचना दे रहे हैं, अगर माँ वहां नहीं पहुंची तो हमने उसी चिड़ियाघर में एक पिंजरा खाली छुड़वाया हुआ है, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो एक अजीबो गरीब जानवर वहां जरूर बंद होगा, वो पिंजरा शेर के पिंजरे के बिल्कुल पास वाला है, समझ गई ना? तो तुम अब ये रुक रुक कर बोलना छोड़िए और
शेर से बचिए। अगर आपने अपना काम नहीं किया तो हम अपना काम जरूर कर देंगे। देखो बिहान, हेलो, लिसन तो, हेलो, हम डे मुझे पिंजरे में बंद करेगा, मुझे जानवर बोला, चिड़ियाघर लेके जाएगा मुझे। देखते हैं चिड़ियाघर के पिंजरे में कौन बंद होता है। कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ, ये तो बिल्कुल पहले जैसे ही है ना। बड़की, यहाँ तो सारे जंगली जानवर भी होंगे ना, और वो पिछली बार की तरह शेर भी होगा। कर रहा है तू? शेर यानी लायन, राइट? हाँ वही। छुट्टी, तू ना लायन से बच के रहना, कहीं बाहर आके ना तुझे ईट ना कर ले। बड़की, हमने तुम्हारी तरह बुड़बक नहीं, हमारे पास बुद्धि है। अरे कोई भी जंगली जानवर होगा ना, वो पिंजरे के अंदर रहेगा, पिंजरे के बाहर थोड़ी आ जाएगा। कुछ भी बोलती हो तुम। ओके ओके, व्हाटएवर। अब कम ऑन पांडे फैमिली, हम अंदर जाके ना ऑसम वाला जू देखते हैं और ऑसम वाली सेल्फी खींचते हैं। चलो 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 चलो, कम ऑन, फॉलो मी। बिहान बिहान, बाकी सब तो आ गए, माँ कहाँ है? अगर माँ नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। अब की तुम चिंता मत करो, माँ जरूर आएगी। श्रद्धा खुद उन्हें लेकर आए। श्रद्धा लाएगी? चलो। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैं अच्छी थी ना घर पे ही। मैं भी घर पे ही सड़ाती तुझे बुढ़िया, पोछे लगवाती तुझसे, पर बिहान ने धमकी दी तो। अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ, मेरा मन नहीं था बेटा, फिर तुम क्यों लेकर चली आई मुझे यहाँ? मम्मी जी, आपका मन लगा रहे इसीलिए तो मैं यहाँ पर आपको लेकर आई हूँ। आज क्या है ना, बहुत ही एक्साइटिंग एनिमल शो होने वाला है, आपका मन लगा रहेगा इसीलिए लेकर आए। बहुत मजा आएगा, आप चलिए तो सही। आइए। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, आइए मेरे साथ चलो। श्रद्धा तुम यही रुको। क्यों? बिहान यही पर है, तुम चिंता मत करो। माँ चल। बिहान। अच्छा अप्रैल फूल बनाया तुमने हम लोगों को। अरे डायनासोर तो हजारों साल पहले होते थे, अभी तो सिर्फ फिल्मों में देखने मिलते हैं। हाँ बिहान जी, मैं तो कितनी एक्साइटेड हो गई थी डायनासोर को देखने के लिए। अगर सच में डायनासोर होता ना, तो मैं उसके साथ ऑसम वाली सेल्फी खींचती। हाँ हाँ, उसके पेट के अंदर बैठ के, है ना बड़की? अब चलो चलो। अरे श्रद्धा, तुम यहाँ? श्रद्धा बेटा, तुम यहाँ कैसे? बेटा तू अकेली वो भी इस हालत में? तो क्या है ना दादी माँ, भक्की ने फोन करके बताया था कि आप सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सिरहा नहीं गया इसलिए मैं भी यहाँ पर। श्रद्धा तुम यहाँ पर हो, तब तो बड़ी सासू माँ भी आई होगी ना तुम्हारे साथ। भक्की ने बोला होगा ना बड़ी सासू माँ को लाने के लिए? कहाँ है बड़ी सासू माँ?